नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान के इस डिजिटल मंच पर। मैं हूं आपके साथ आशीष। चलिए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के कीमतों की। तो पिछले कुछ वक्त से लगातार इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आ रही है। 24 नवंबर को भी कच्चे तेल की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट के बाद यहां $77.65 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल $85.41 प्रति बैरल के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां कच्चे तेल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं भारतीय बाजार में दाम स्थिर बने। आज लगातार 186वां दिन है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चारों महानगरों की अगर बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर, डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर, डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर, डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर। वही चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल जो है वो 94.24 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। बात अगर राजस्थान की करें तो जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल है वो 93.72 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको मिल रहा है। इससे पहले 21 मई को सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपये प्रति लीटर पर ये बड़ी कटौती की गई थी। इसके बाद देश में 9.50 रुपये डीजल और 7 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल और करीब करीब 9.50 रुपये के हिसाब से करीब करीब पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ था। केंद्र की घोषणा के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल सरकार ने भी वैट में कटौती की थी। 21 मई से हुई कटौती के बाद से किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये था आज का भाव। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।